सुबह की शुरुआत जैसी होती वैसी ही हुई है, बट ये है कि वो मुंबई है, ये सूरत, और यहाँ पूरी भरी हुई फैमिली रहती, वहाँ रहते दो बच्चे और मैं। सलाम अलैकुम, सलाम करो, अस्सलाम अलैकुम बोलते बोलो, अस्सलाम अलैकुम, है ना। क्या लाया जल्दी से बता, अब नानी के लिए जल्दी जल्दी बता। पावला, ए पावला, पावला। अच्छा क्या लाया जल्दी बता। अच्छा कुछ बोल तो सही, आज क्या बोलेगा? ना आज नहीं चुनने का हमको गाली वाला, आज कुछ नया, कुछ नया सुनने का आज हमको, ना ये भी नहीं सुनने का हमको, दूसरा कुछ सुनने का है। जोर से बोल, समझ में नहीं आता मेरे को। ये क्या था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और तूने ये बाल क्यों निकाला? निकाला निकलेला, निकाला निकलेला मतलब क्या होता है? ये होली, होली नहीं बोलते उसको, बोलते देवी आया था, देवी, तो उसको कहते निकाला निकला। तो इसके लिए क्या बाल निकालते हा? इसके लिए बाल निकालते। अच्छा फिर में फोली आ गई थी तेरे लिए, फोली। अच्छा अभी नानी ने तेरे लिए लाया, तूने देखा? हाँ देखा। खाएगा? खाऊंगा। खाएगा? हाँ। देख नानू भी उड़ गए। ओ नानू क्या आवाज। वालेकुम अस्सलाम, आओ ना। बच्चों के साथ मस्ती तो मेरी चालू थी, फिर आयु फ्रेश होके आए तो बैठे हम नाश्ता करने के लिए, और मैंने अपने लिए तो निकाली थी डाइट वाला नाश्ता, और अयूब क्या लिए देखो, गुड्डे और चाय। हाँ लंच की तैयारी भी चालू हो गई है वहाँ पे, और मैंने तो पी ली चाय। और मैं ये अभी अमीन को फोटो भेजी थी, क्या कहता बताए, डाइट वाली मम्मी। अपू सलाम करो, सलाम करो बेटा। वालेकुम अस्सलाम, अच्छी नींद आई नानी के पास, दादी के पास अच्छी नींद आई। और मेरे गोद में मेरे बाल को ऐसे ऐसे सहलाती है रात को उठ उठ के, है ना। चलो आ जाओ खाओ नाश्ता करो, ये खा के देखो आपको, ये खा के देखो, बहुत अच्छा रहता है, दादी को बहुत पसंद है। कैसा लगा, टेस्टी है ना। ये हमारी हो गई गुड मॉर्निंग, है ना, खाएगी। चलो बच्चों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता है, सब बच्चे मेरे साथ रहते हैं। फिर मेरी नज़र गई घड़ी पे तो मेरे लिए दोपहर हो गई, चलो नहा कर आती हूँ। अयूब जब तक तो थे घर पे, अयूब को मैंने पूछा अयूब इतने सारे ड्रेस आए कौन से पहनो, हमेशा अम्मी के पसंद की ड्रेस बताते रहते। जब भी हम शॉपिंग को जाते तो मुझे बोलते चटनी कलर की साड़ी ले, चटनी कलर, क्योंकि अम्मी मतलब मेरी सास। फिर मैं आने के बाद लगा खाना, और खाने में स्पेशल मुझे पूछे थे क्या खाना, मैं बॉम्बे में थी जब ही बोली थी ज्वेलिया को मुझे पाए खाना है, क्योंकि मेरी बहू बहुत अच्छे पाए बनाते, और अयूब ने बोला कि रस बनाना। तो फिर हम खाना खाने बैठे तब भी चालू थी ये सब बातें कि कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा। और जैबू की जो मेरी बेटी की लड़की है उसकी तबीयत खराब थी, तो वो आके अमीन अली के गोद में लेटी हुई। खाओ खाओ खाओ, लिपस्टिक लगाओ, निकल गई। अच्छा वापस लगाऊं, मैं खा लूं पहला। और देखो दादी का लिपस्टिक पूरा निकाल, लगा ली, देखो लग गया, बस क्या और लगानी है, और लगानी है, ले ले दिखा, देखो बस गंदा बच्चा। फिर सब लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए, और अयूब को काम था तो अयूब जाने लगे अपने काम के लिए, तो मैं बोली चलो भी मैं क्या करूं, मैंने बोला मैं भी सो जाती हूँ। मैंने देखी हूँ अक्सर अमीना पर खाने के बाद एक दो घंटा आराम करते हैं, मैं यहाँ आती तो मुझे भी ऐसी लाइफ जीने बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जाने के पहले इनकी चालू थी कि देख मेरी ये भी औरत बहुत मजबूत है, अमीना अपा के साथ बातें करते करते ये चले गए, मैं सो गई। उठने के बाद देखी तो चाय नाश्ते की तैयारी शुरू थी, मैं भी बैठ के इनके साथ नाश्ता करी। फिर अमीना अपा मुझे बताने लगे तू सोई थी, तब आए थे एसी की सर्विस वाले तो एसी मैंने बंद नहीं कराई सायरा ना, तो तू उठ जाएगी। तो ये सब करते करते हमारा दिन कैसे बीतता है सूरत में पता ही नहीं चलता। फिर रात की तैयारी शुरू हो गई, आ भाई है ना,
बहुत काम था, बहुत काम। हम लोग ने तो सब फैमिली ने खाना भी पूरा अरेंज कर दिए, चाय नाश्ता भी हो गया, अमीना आप डॉक्टर के पास भी गए, वो तो सब बातें बाद में होगी, पर अब जा रहे फिलहाल तो खाना खाने के लिए। तो चलिए फिर बताती हूँ आज आपको, और ये जो रेसिपी है आपको मेरे किचन चैनल पे मिलेगी। और आज स्पेशल चीज बनाई है हमने, आज एकदम स्पेशल चीज गौरी ने बनाई है। चलो एकदम हटके मारे फटके, ठीक है। ये बहुत बहुत ड्रामेबाज आदमी है। अरे थोड़ा चुलबुल पांडे तो बनना ही पड़ता है ना मेरी जान। बस हमारी रात की जो तैयारी थी खाने की, उसके डायरेक्शन थी अमीना आपा का, और तरीका भी अमीना आपा ने सिखाया था मेरी बहू को, और सारी चीज़ों के साथ हमारा डिनर हो गया तैयार, और बहुत मज़े से हम सब फैमिली ने बैठ के खाए खाना, और इसी तरीके से सूरत का पहला दिन हमारा खाना हुआ है, हो गया, सब हो गया। अब थोड़ा जा रहे आटा मारने, आटा मारने के साथ साथ मेरी बेटी को झींगा बिरयानी पूछा ये खाएगी आफरीन, तो बोले थोड़ी लेकर आओ। फिर आयुब ने मंगाए थे सबके लिए फालूदा, बोले चल फालूदा पिएगी, बोले हाँ। उसमें मेरा नान वाला केरी, नानी केरी खाना केरी, तो सारा सामान लेके हम जा रहे बच्ची को देने, और सोच रहे ब्लॉग भी करते हैं एंड, क्या बोलते हो जी, है ना? नहीं अभी थोड़ी देर बाद, नहीं अभी एंड करते, क्योंकि अभी बहुत सारी एक सरप्राइज भी है और बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो तैयारी हो रही है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए फिलहाल आप सबको गुड नाइट, शब्बा के, और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे, आमीन।